अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, इसलिए जो मिलादी भाई हैं, जो मिलाद मनाने वाले हैं, उनसे चंद सवाल हैं। उम्मीद है कि आप संजीदगी से गौर करेंगे। क्या जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कहीं कुरान के अंदर मौजूद है? क्या अल्लाह ने कहीं हुक्म दिया है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीथ ऐसी मिलती है जिसमें आपने अपनी यौम पैदाइश मनाने का हुक्म दिया हो? क्या सहाबे किराम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटूट मोहब्बत करते थे, क्या कभी उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर मनाया? क्या उम्महातुल मोमिनीन ने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश मनाई? तो इसका जवाब आपको मिलेगा नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि दीन का हिस्सा नहीं है। और जो दीन का हिस्सा नहीं है उसको दीन का हिस्सा समझना या उसको सवाब की उम्मीद से करना, सवाब की नीयत से करना, उसको दीन के अंदर बिदअत कहा जाता है। अगर आप करते हैं तो आप दलील दीजिए, और अगर दलील नहीं है तो उस अमल को तर्क कर दीजिए, और दीन के अंदर उसको बिदअत कहा जाता है। और बिदअत से बचिए, बिदअत ही गुमराही की तरफ ले जाने वाली।